और लगभग सभी राज्यों में जो एसजीएसटी का कानून था वो भी पारित हुआ, उसको भी एक प्रकार से देश भर में कंसेंसस था, अधिकतर विधानसभाओं में सर्वसम्मति से हुआ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केरला और जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब राज्यों में कानून बन चुका है, केरला में भी इस सप्ताह आने वाले सप्ताह में बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में उसकी प्रक्रिया चल रही है, उनको अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि राज्य के संविधान में प्रावधान भी अलग हैं। उसके बाद कई प्रकार के लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी रेगुलेशन, सब रूल्स रिक्वायर्ड थे, वो भी सर्वसम्मति से हुए। रेट फिक्सेशन हुआ, कुछ रेट्स के ऊपर रीहियर डिस्कशन हुआ, और एक प्रकार से सभी निर्णय संसदों में, संसद के दोनों सत्रों में, सदनों में, राज्य विधानसभाओं में, सभी राजनीतिक दलों का, सभी विधानसभाओं का, राज्य सरकारों का इसमें योगदान रहा। और एक सरकार से आरंभ हुआ हुआ दूसरी सरकार और तीसरी सरकार तक यह एक संशोधन गया है, और एक प्रकार से पूरे देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, उसको पूरा बदलेगा। और इस दृष्टि से तीस जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा, इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है, और जो जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में, और कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पे रहें। तो एक प्रकार से इसके पूरे इतिहास में जिस प्रकार से सारे देश की राजनीतिक व्यवस्था इसके निर्णय में लगी है, उसके अनुकूल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इफ आई मे रिपीट इन इंग्लिश दैट लेट ऑन द 30th ऑफ जून अ प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट where all members of parliament, all members of the GST council, chief ministers and officials who have assisted in this whole process